हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 1 अगस्त 2018 के SSSC एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, जो कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं। तो सबसे पहले उन सभी लोगों का नाम बताना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट टाइम एग्जाम पीरियड में निकाल के आप लोगों के हेल्प करने के लिए मुझे कुछ क्वेश्चन नोट करके भेजे हैं। तो सबसे पहला नाम है रश्मि उपाध्याय, दिलीप राजभर, विकास कुमार जो कि गोरखपुर से हैं, अनीस उत्तम जो कि कानपुर से हैं, शुभम तिवारी, उमुल, अश्वनी शर्मा जो कि बनारस से हैं। इन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं। इनका कई अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम था 1 अगस्त 2018 को। तो ऐसे ही अगर आपका भी आगे SSSC का एग्ज़ाम होता है और आप कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, तो आप लोगों के हेल्प करने के लिए क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं और उनका सोल्यूशंस मैं इसी तरीके से अपलोड करूँगा। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सेल में पावर लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर एक्सेल में आप पावर लगाना चाहते हैं, मींस पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर आंसर्स लिख दिए हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पावर, और यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें वैल्यूज कैसे फिल करेंगे, जैसे 2 की पावर 3 करना है तो 2.3 यहाँ पे हम टाइप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेब पर न्यू एड्रेस को सर्च करता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रू है। स्पाइडर क्या होता है, एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि अलग अलग वेबसाइट्स के एड्रेसेस और उनके हाइपरलिंक्स या उनके पेजेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता रहता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने आंसर्स मेंशन कर रखा है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसमें हम 70+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पे टोटल 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में, और इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए। अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, OSI मॉडल का लेयर किससे बना होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यहाँ पर पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके OSI लेयर बनती हैं, जो 7 लेयर्स होती हैं। जैसे यहाँ पे फिजिकल लेयर होती है, वहाँ पे केबल्स और जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं वो आते हैं, जैसे NIC कार्ड। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+G, यहाँ पे कंट्रोल की स्पेलिंग इन्होंने जैसे ही क्वेश्चन भेजा है वैसे एग्जैक्टली मैंने टाइप कर दिया है, CTRL होगा यहाँ पर, Ctrl+G का वर्क। Ctrl+G से क्या कर सकते हैं, अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फाइंड और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं, Ctrl+G, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे आंसर मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन है, रिमाइंडर के लिए फॉर्मूला। तो रिमाइंडर अगर हमें कैलकुलेट करना है एक्सेल में, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है मॉड। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ लिखते हैं 7.5, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 2। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक्सेल की शीट 3 में अगर कोई चेंजेस किए जाएं तो शीट 1 में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रू है, मैं इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम शीट रेफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे इसको कैसे यूज करेंगे, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक शीट है, शीट 1 को मैंने A से रिप्लेस किया है, शीट 2 को हमने B से रिप्लेस कर दिया है। ऐसे आप शीट 3 को C से भी रिप्लेस कर सकते हैं, या कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, शीट 1 में हमने कुछ वैल्यूज़ रखी हैं, और इसको हम शीट 2 में कैलकुलेट करेंगे। शीट 2 में भी हमने कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं, यहाँ पे देखिए ये कुछ वैल्यूज़ हैं, कॉलम A में हमने रखा है वैल्यूज़ को। और यहाँ पे हम चाहते हैं शीट 1 की ये वैल्यूज़ और शीट 2 की ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर ऐड हो जाए। तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल सम, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सीट का एड्रेस डालना है। तो पहली कौन सी सीट है हमारी, A, तो यहाँ पे हम ये साइन लगाएंगे। ओके, और इसके बाद हम इसका एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि A1, ये हमारा सीट A का एड्रेस है, कॉमा। अब हम यहाँ इस सीट का एड्रेस देंगे जो कि हमारा होगा A1, और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखे, इसका साइज़ भी मैं बढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है 7 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीट ए में क्या है, 5 है, और सीट बी में 2 है, तो टोटल 7 हो गया। अगर मैं इसको ड्रैग कर दूँगा तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, और देखिए सब में सम आ रहा है। यहाँ पर देखिए सीट ए में 4 है सब में, तो
तो यहाँ पे देखिए 4 + 2 6 हो जाएगा, सब में 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे सीट ए में हमने 5 रखा था, तो 5 2, यहाँ पे 2 है तो ऐड होके 7 आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल सेल का हाइट एंड विड्थ को किस में मापते हैं, तो ये इंचेस में मापते हैं हम। अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, रो एंड कॉलम्स को किस में मापते हैं, तो रो और कॉलम्स को भी हम इंचेस में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में दो लाइंस के बीच के स्पेस को किस में मापते हैं, तो इसको भी हम इंचेस में नापते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेट क्विज पर क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं बताया क्या था, तो नेट क्विज क्या होता है बेसिकली, ये होता है रिफर टू इंटरनेट इक्विट। तो इक्विट क्या होता है बेसिकली, एक शिष्टाचार इसका हिंदी में मीनिंग होता है। तो जब आप इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करते हैं, चैटिंग करते हैं, या किसी भी तरीके के मेल मैसेजिंग करते हैं, तो वहाँ पे शिष्टाचार की ज़रूरत होती है। मींस कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं जिनको आप मेल नहीं कर सकते हैं, या ये मेल करने की परमिशंस नहीं देता, इसमें काफ़ी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं नेट क्विट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक मित्र कौन होता है, तो बैंक मित्र एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वो, या फिर एक हमारे बैंक का एजेंट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक्सटेंशन क्या होता है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसका जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे नहीं मिला है। तो अगर जो एक्सेस होता है, अगर उसको ओपन करेंगे, तो जो एक्सेस की फाइल होती है वो access.exe होती है, तो उसका एक्सटेंशन exe होगा। और अगर यहाँ पे एक्सेस में बनी हुई फाइल्स की बात करें, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो कई अलग अलग फाइल्स बनती हैं, तो वहाँ पे अगर उसका डेटाबेस के एक्सटेंशन की बात करें, तो वहाँ पे होता है accdb। जो भी फाइल होगी डेटाबेस की, तो वहाँ पे पहले फाइल नेम .accdb उसका फाइल नेम होगा। तो यहाँ पे आई होप मुझे लग रहा है कि एक्सेल को ओपन करने, मींस एक्सेल जिसे रन करता है, उस फाइल की बात की जा रही है, तो access.exe उस फाइल का एक्सटेंशन होता है, मींस exe एक्सटेंशन होगा। अगला क्वेश्चन है, कमेंट ऑप्शन व्यू एंड इंसर्ट मेन्यू में होता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा कमेंट ऑप्शन होता है वो 2003 एमएस ऑफिस में होता है इंसर्ट मेन्यू में, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। ओके, अगला क्वेश्चन है, www फुल फॉर्म, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब, और ये पिछले मंथ के एग्जाम्स में भी मैक्सिमम एग्जाम में ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, FTP प्रोटोकॉल का वर्क, तो FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कंप्यूटर्स, जो नेटवर्क पे जुड़े हुए कंप्यूटर्स में आपस में फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, arun.kumar@gmail.com, तो यहाँ पे ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, जो पिछले महीने हर एक एग्ज़ाम में, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, और इस बार भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस डॉट आप किसी भी जीमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल के पेज के राइट में एंटर बटन होता है, जिससे प्रेस करने के बाद ही एक्सेल पे वर्क किया जा सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है, क्योंकि एक्सेल में कोई ऐसा इंटर की बटन नहीं होता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमें डायरेक्टली लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा था, जिसको हमने यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट किया है, उनका फॉन्ट साइज चेंज किया है बस, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे इमेजेस भेजी हैं, तो उनकी क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड है, लेकिन मैं उसको रीड आउट करूँगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, Ctrl+U शॉर्टकट की का यूज़, तो Ctrl+U से क्या करते हैं, आप अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हैं। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, www का पूरा नाम, तो वर्ल्ड वाइड वेब, जैसा कि इससे पहले भी एक शिफ्ट में पूछा गया है। लॉकर में रखी हुई वस्तुओं का पता किसे होना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो किसी को भी हमें बताना नहीं होता है कि लॉकर में क्या रखा हुआ है, सिक्योरिटी रीजन से। अगला क्वेश्चन है, लैन, यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है क्या लिखा हुआ है, वन स्ट्रीट से जुड़ा होता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉल्स होगा, अगर ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, क्योंकि लैन हमारा केबल या फिर वायरलेस दोनों तरीके का होता है। अगला क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन का बड़ा रूप है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही, ये ट्रू है, जो लैन होता है वो एक विद इन अ बिल्डिंग होता है, जबकि हमारा जो मैन होता है वो विद इन अ सिटी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हाफ बाइट किसके बराबर होता है, तो ये निबल के बराबर होता है, मींस 4 bit = 1 nibble और 8 bit = 1 byte होता है, तो यहाँ पे हाफ बाइट का मतलब है 1 nibble। अगला क्वेश्चन है, नई स्लाइड को शॉर्टकट की क्या है, नई स्लाइड अगर हमें जोड़नी है तो उससे रिलेटेड ये शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे Ctrl+M होगा।
ओके, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की फाइल कितने एमबी की होती है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मुझे कंफ्यूज कर रहा है। इस क्वेश्चन के साथ में आई होप कुछ और भी चीज़ें जुड़ी रही होंगी, तो इस ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, इस वजह से मैं इसका करेक्ट आंसर भी नहीं बता सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, माउस और कुंजी बटन कंप्यूटर के अलग अलग भाग हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर ट्रू फॉल्स से रिलेटेड रहा होगा तो ये फॉल्स है, क्योंकि माउस और कुंजी पटल क्या होते हैं, दोनों ही इनपुट डिवाइस होते हैं, और जो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं या भाग होते हैं उसमें से इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और मेमोरी, ये उसके मेन पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल पार्ट है, मीन्स इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं जो कि सिंगल पार्ट हैं, तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का क्या कार्य है? तो इंटरनेट हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, इस बारे में टाइप से कुछ था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम बता नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, बाहर निकलने की सबसे शक्तिशाली की है, तो अगर कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहा है उससे बाहर आना है तो उसके लिए जो सबसे स्ट्रांगेस्ट की यूज करते हैं वो होता है Alt+F4। Alt+F4 से आप उस एप्लीकेशन को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, दोनों लाइनों के बीच स्पेस के लिए क्या यूज करते हैं? तो यहाँ पे अगर दो लाइंस के बीच में स्पेस करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, लाइन स्पेसिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन नहीं है, तो इनमें से कौन कौन सा सर्च इंजन है वो हमें बताना है, कौन सा नहीं है सॉरी ये बताना है। तो यहाँ पे याहू भी एक सर्च इंजन है, अल्ट्रा विस्टा ये भी एक सर्च इंजन है जो कि हमारा 1995 में लॉन्च हुआ था, और यहाँ पे फेसबुक जो है वो हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो ये क्वेश्चन में फेसबुक करेक्ट होगा। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने मुझे भेजे हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 70+ क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस लोग। अभी क्वेश्चन कुमार जो कि गोरखपुर से हैं, तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ बिट्स इन EDCDIC। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमें कुछ मिस्टेक लग रही है कि यहाँ पे, क्योंकि EDCIDC नाम से कुछ भी नहीं होता है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा या फिर जो करेक्ट होना चाहिए वो होगा EBCDIC, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और इसका जो साइज़ होता है 8 बिट ना कि 7 बिट। तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने फॉल्स मार्क किया है, तो बिल्कुल सही मार्क किया है। बाइनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ, तो बाइनरी नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ISP जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, फुल फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है, करेक्ट है, बिल्कुल सही। कीबोर्ड इज़ अ कॉमन इनपुट डिवाइस, सॉरी कमांड इनपुट डिवाइस, तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम कीबोर्ड के थ्रू कमांड्स को टाइप करके सिस्टम से इंटरेक्ट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, SDDD, तो यहाँ पे SDD मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क की बात की जा रही है, इज अ सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये भी बिल्कुल सही है। मॉडम इज़ अ कंप्यूटर टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि जो हमारा मॉडम होता है वो एक नेटवर्क डिवाइस होता है और वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे ये ट्रू होगा। हालांकि यहाँ पे जो वर्ड कंप्यूटर यूज़ किया गया है ये थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा है मुझे। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन साइज इज़ नॉट इफेक्ट टू द रेजोल्यूशन ऑफ द, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है ये मुझे रीडेबल नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो हमें बताइएगा। हालांकि यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि जो हमारा स्क्रीन साइज होता है वो हमारे इस जो रेजोल्यूशन होता है उसको इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आप देखते होंगे सेम मोबाइल की जो स्क्रीन साइज होती है उसमें कई अलग अलग रेजोल्यूशंस आते हैं, तो आप इससे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, क्वाइंस इशूड बाई, तो यहाँ पे जो क्वाइन होते हैं वो RBI सॉरी इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है, तो इन्होंने मार्क किया है, बिल्कुल करेक्ट मार्क किया है। अगला क्वेश्चन है, 1 TB इक्वल टू 1024 GB, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है, और इसका करेक्ट आंसर है यही। प्रोसेस ऑफ ओपन कंट्रोल पैनल, तो यहाँ पे कई स्टेप्स दिए होंगे, उसमें से कौन सा स्टेप था एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे अगर कंट्रोल पैनल ओपन करना है तो आपको कंट्रोल पैनल के आइकन पे डबल क्लिक करना होगा, या फिर आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल ऑप्शन पे जाके डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन फुल्ली फुल डुप्लेक्स हैं, तो ये बिल्कुल सही है, फुल डुप्लेक्स वो होता है जिसमें सेम टाइम पे दोनों साइड से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ MS Excel इज़ Book 1, तो यहाँ पे जो MS Excel होता है उसमें जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है जब आप पहली बार ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिख के आता है Book 1, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये ओपन किया तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट नेम इस सीट का आ रहा है Book 1। ओके, तो ये करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, परमानेंट मेमोरी इन्होंने मार्क किया है रोम को, जबकि क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सीडी रोम, क्योंकि परमानेंट मेमोरी हमेशा सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड होता है, तो ये हमारा सीडी रोम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कीबोर्ड, तो यहाँ पे कीबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं, ये कौन सा पार्ट नहीं है कीबोर्ड का, तो यहाँ पे फंक्शन की भी होती हैं, नंबर की होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, जबकि टच स्क्रीन की नहीं होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स ओएस इज अ पोर्टेबल मल्टीटास्किंग, और क्या ऑप्शंस लिखे थे यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो ओएस हमारा जो लाइनक्स ओएस होता है वो मल्टीटास्किंग होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा मल्टीटास्किंग। ओके, कुछ और क्वेश्चंस लोगों ने भेजे हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा सही नहीं है लेकिन तब भी हम इसको पूरा रीड करके बताएंगे क्या क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस भेजे हैं अनीस उत्तम ने, जो कि कानपुर से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 निबल का मान होता है 4 बिट। अगला क्वेश्चन है, टेराबाइट का मान 1024 गीगाबाइट, बिल्कुल सही। फायरवॉल का मुख्य कार्य मॉनिटरिंग का होता है, सिक्योरिटी का होता है, जो हमारा सिस्टम जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो सिस्टम में आने वाले डेटा को और जाने वाले डेटा को ये प्रॉपर मॉनिटर करता है, फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर प्रणाली का आधार है, तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है वो होता है 10, इन्होंने मार्क करके लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो ये भी ट्रू है। एचटीएमएल एक सर्च इंजन है, जो कि फॉल्स है क्योंकि वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। अगला, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे जो डेट लिखी वो बिल्कुल करेक्ट डेट है, 9 मई 2015 को PMSBY, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। ओके, तो ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इन्होंने ही क्वेश्चंस भेजे हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितना बीमा कवर मिलता है, तो जो हमारा PMJJBY होता है उसमें मैक्सिमम 2 लाख कवर मिलता है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, BCC का पूर्ण रूप, तो यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी संस्था का या किसी कंपनी के लिए कौन सा नेटवर्क यूज होता है, तो किसी संस्था या किसी कंपनी का मतलब होता है उसकी कई सारी ब्रांचेस भी होंगे, तो उसके लिए जो नेटवर्क यूज होता है वो मैन यूज होता है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, तो यहाँ पे क्या प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, तो यहाँ पे ये ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है, सेव की शॉर्टकट की, तो अगर फाइल सेव करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। कॉपी की शॉर्टकट की पूछी थी, तो Ctrl+C, ये भी सही है। एक्सेल में वर्कशीट खोलने के लिए शॉर्टकट की, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है Ctrl+U हमने किया था, तो यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया है, Ctrl+O होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, इसमें हमने 70+ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और आप इन सारे लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद ज़रूर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके इन सबको आप थैंक्स बोल सकते हैं। अगर आगे आप लोग भी CCC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस भेजेंगे और मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट करके भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी आने वाले जितने भी दिन होंगे उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके अपडेट्स मैं इसी तरीके से अपलोड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।